बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस सिलसिले में चल रही है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले उनका तذکرہ कहाँ कहाँ हुआ है, किन किन अम्बिया ने किया है, और कैसे कैसे हालात रूनुमा हुए हैं कि जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया है, इस महवर पर है। अभी हमने इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तذکرہ किया कि जिसमें आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसी सरज़मीन करबला पर फरियाद करते हुए देखा था और खून में लथपथ, बल्कि खून में डूबते हुए देखा था। इमाम फरियाद कर रहे थे और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा था। ये भी बयान किया गया कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में चंद सफ़ेद पोश लोगों को देखा था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सब्र की तलकीन कर रहे थे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस मकाम पर जो सिफीन से गुज़र रहे थे इस सरज़मीन पर, ख़िताब करके इब्ने अब्बास से कहते हैं कि मुझसे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हाज ही अर्ज़ करबिन व बला युदफनु फ़ीह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, आपका गुज़र सरकशों से जंग करने के लिए, बागियों से लड़ने के लिए एक ऐसी सरज़मीन से होगा जिस सरज़मीन को अर्ज़ कर्ब व बला कहते हैं, दर्द व गम मुसीबतों बला की सरज़मीन। जब आपका गुज़र वहाँ से होगा तो उस सरज़मीन पर आपको ऐसी अलामतें मिलेंगी जो अलामत जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपके लिए मुकर्रर और मुअय्यन कर रखी होगी। उसको बयान करने से पहले मैं ये ज़िक्र करता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास से पैगंबर इस्लाम का वो कलाम नकल करते हैं कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था कि आपका गुज़र एक ऐसी सरज़मीन से होगा जो सरज़मीन बलाओं और मुसीबतों की सरज़मीन है, और उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने यह इरशाद फरमाया था कि वो सरज़मीन ऐसी सरज़मीन है, इन्नहा फिस समावात मारूफा तुझ करो बे अर्ज़ करबिन व बला। ये सरज़मीन बहुत ही मशहूर व मारूफ है, मगर किसके दरमियान? पैगंबर इस्लाम से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नक़ल कर रहे हैं, ये सरज़मीन आसमानों में। जाहिर है कि आसमानों से मुराद यहाँ पे आसमान के बाशिंदे हैं, यानी फरिश्ते और करूबियान हैं। आसमानों में, आसमान के बाशिंदों में यह सरज़मीन बहुत ज़्यादा मारूफ है, मगर इस उन्वान के साथ मारूफ है कि अर्ज़ करबिन व बला, ये सरज़मीन मुसीबतों की ज़मीन है, ये सरज़मीन बलाओं की सरज़मीन है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। इब्ने अब्बास से नकल करते हुए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जनाब रसूल खुदा ने मुझसे ये फरमाया था कि आपका गुज़र जब इस सरज़मीन से होगा तो आपको यहाँ इस सरज़मीन पर एक ऐसी अलामत मिलेगी जिस अलामत को समझाना ज़रूरी है। अगरचे वहाँ पर तذکرہ अल्फाज बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, लेकिन चूँकि वो सरज़मीन करबला से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ थी, लिहाजा ज़िक्र करना ज़रूरी है। वो क्या है कि वहाँ पर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रसूल इस्लाम बयान फरमा रहे हैं कि जब आपका गुज़र होगा तो आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून और उसके अंदर उस सरज़मीन की बू आ रही होगी। ज़ाहिर है कि सरज़मीन की बू, सरज़मीन करबला ही से जब गुज़र है तो सरज़मीन करबला की बू का क्या मतलब है? यकीनन इससे इशारा शहादत इमाम हुसैन, खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है। वो वाक़िया इस तरीके से है कि जब जनाब ईसा रूहुल्लाह अपने हवारीन के साथ गुज़र रहे थे तो आपने इस मकाम पर, इस सरज़मीन पर देखा कि कुछ हिरने हैं जो बहुत ही अपने आप को महफूज समझ रही हैं। जनाब ईसा कहते हैं, हाज हिज ज़बा ओ तो कल्लेमोनी, यहाँ की ये हिरने मुझसे बात कर रही हैं। हवारीन की
इतनी बसीरत नहीं थी कि जनाब ईसा की तरीक़े से उस बात को सुन और समझ सकते, इसलिए हज़रत ईसा को अपने हवारीन से बयान करना पड़ा। क्या बयान कर रही थी? वो ये बयान कर रही थी, ये वो सरज़मीन है जहाँ पर सिप्त रसूल खुदा को शहीद किया जाएगा। हम इस सरज़मीन पर बहुत महफूज हैं और हम इस सरज़मीन पर सिर्फ यहाँ की वो चीज़ें जो खाने के काबिल है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इन सब चीज़ों को बयान करने के बाद गिरिया शुरू कर देते हैं। वो अलामत यही वो चीज़ थी जिसका ताल्लुक उन हिरनों से था। जब अमीरुल मोमिनीन इब्ने अब्बास से बयान कर रहे थे, वो चीज़ें वो अलामतें आपके हाथ लगीं और आपने वो चीज़ें इब्ने अब्बास के हवाले किया और ये कहा, ऐ इब्ने अब्बास, जब ये शय खून में तब्दील हो जाए तो तुम समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है। जनाब इब्ने अब्बास से इमाम अपने ख्वाब को भी बयान कर रहे थे और हज़रत ईसा के हवारीन के साथ गुज़रने का भी तस्करा कर रहे थे। उस तस्करे में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है, जिसको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारीन के सामने ज़िक्र किया। एक वो वाक़या कि जिसमें रास्ता रोका गया था शेर के ज़रिए से, और ये एक दूसरा वाक़या, या ये दो वाक़े हैं कि दो मर्तबा हज़रत ईसा का यहाँ से गुज़र हुआ है, या एक वाक़या है, इस ये आश्कार नहीं है बज़ाहिर, दो वाक़े हैं, यानी दो मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन से गुज़रे हैं, सरज़मीन कर्ब व बला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत का तस्करा उनके सामने उन हिरनों ने किया कि जो इस सरज़मीन पर अपने आप को महफूज समझती थी, और उन्होंने हज़रत ईसा के सामने और उनके हवारीन के सामने ये बयान किया, हम इस सरज़मीन पर बहुत महफूज हैं और हम यहीं पर रहते हैं। और फिर उसके बाद वो अलामत जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस कदर रो रहे थे, इस कदर फरियाद कर रहे थे कि सारा लश्कर आपके साथ रो रहा था। इस ख्वाब को बयान करने के बाद फिर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आगे रवाना हो जाते हैं और फिर जंगे सिफ़िन रूनुमा होती है कि जिसमें इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे, मगर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनको बचाया और जनाब मोहम्मद हनफिया को आगे बढ़ाया। वसल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिहि।